आज आप देख रहे होंगे ये माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बकस दो बस, आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, रात चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं। लगभग हर मंच से सीएम योगी भयमुक्त प्रदेश का नारा देते दिखाई दे ही जाते हैं। नारों का क्या, ये जितने सुनने में अच्छे लगते हैं उतने होते नहीं। दरअसल जब आप इसकी जमीनी हकीकत टटोलते हैं तो आपको हर रोज गुंडे, माफिया और दबंग टाइप के लोग सरकार के आदेशों को हवा में उड़ाते दिखाई दे ही जाते हैं। सरकार जहां एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रदेश की छवि को सुधारने में जुटी है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार की बनी बनाई छवि को धूमिल कर रहे हैं। ताजा मामला बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के कुमरावा गांव का है, वही गांव जहां के प्रधानपति कमल पटेल की दबंगई के फसाने सुनाए जाते हैं। रोब ऐसा कि क्या पुलिस, क्या प्रशासन, सब नतमस्तक हैं, जिसका आदेश ही शासन है। आप सोच भी नहीं सकते एक गांव के प्रधान का इतना रौला हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है। ये अपनी दबंगई के बल पर कई बार मजलूमों को सताते हुए देखा गया है। अब इसके रुआब की एक तस्वीर और सामने आ रही है। दरअसल इसने गांव के एक आम व्यक्ति जिसका नाम जयचंद है, उसकी जमीन पर इंटरलॉकिंग सड़क बनवा दी। दबंगई का आलम यह है कि जब पीड़ित ने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी, तब मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के सामने ही निर्माण कार्य चलता रहा। वही पीड़ित पक्ष जब इस बात का विरोध करने लगे और वीडियो बनाने लगे, तो उन्हें दबंग ग्राम प्रधान पति के गुर्गों ने पुलिस वालों के सामने ही ठीक कर देने की धमकी तक दे डाली। अब ज्यादा फिर एक पक्षी मामला ना हो, बता दिया सब कागज कंप्लीट है, पूरा अप टू डेट नहीं, सब कागज कंप्लीट है, मेंटेनेंस है, सब दिक्कत नहीं है। आप जैसे से बात कर लीजिए, वहाँ पैसे तो बोल रहे हैं, बात कर लीजिए, क्यों नहीं बात कर रहे भाई, नंबर लीजिए, प्रदेश से बात कर लीजिए। हाँ तो बात था, फिर वीडियो क्यों बनवा रहे थे जी, आप खुद बनवा रहे हैं, हम तो मोबाइल में बनाए, यही इनके सब फॉलो, यही इसी में ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, लीगल काम अनलीगल इसी में सब लोग करवा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, बता रहे तब भी वीडियो बनवा रहे, क्या मतलब वीडियो से क्या मतलब, तब आप नहीं मना कर सकते।